वरुण धवन और समांथा प्रभु की सीरीज सिटाडेल हनी बनी अमेज़न प्राइम वीडियो पर रिलीज हो गई है। इस सीरीज को राज और डीके ने बनाया है। इस जोड़ी ने ही मनोज बाजपेयी की सीरीज द फैमिली मैन भी बनाई थी। सिटाडेल हनी बनी एक बड़े स्केल पर बनी स्पाई थ्रिलर सीरीज है। ऐसा नहीं है कि इस सीरीज के साथ ही इस साल की बड़ी सीरीज का कोटा पूरा हो जाएगा। लिस्ट में कई पॉपुलर सीरीज के सीक्वल रिलीज होने को तैयार हैं। कौन सी है ये एंटिसिपेटेड सीरीज, अब वो बताते हैं। पहली, फ्रीडम एट मिडनाइट। फ्रीडम एट मिडनाइट एक नॉन फिक्शन किताब है जो भारत की आज़ादी और विभाजन की घटनाओं के इर्द गिर्द रची गई है। सीरीज में भारत के बंटवारे से लेकर गांधी की मौत तक की कहानी दिखाई गई है। भारत के इतिहास में जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, लॉर्ड माउंटबेटन और मोहम्मद अली जिन्ना की क्या भूमिका रही, इस पहलू को भी सीरीज में जगह मिलेगी। निखिल आडवाणी ने इस सीरीज को डायरेक्ट किया है। इस सीरीज में सिद्धांत गुप्ता, चिराग बोरा, राजेंद्र चावला, ल्यूक मैकगिबनी, आरिफ जकारिया अहम भूमिकाओं में नजर आएंगे। सिद्धार्थ सेन गुप्ता की ये काली काली आंखें के क्रिएटर और डायरेक्टर हैं। इस सीरीज का पहला सीजन 14 जनवरी 2022 को रिलीज हुआ था। ये काली काली आंखें एक रोमांटिक क्राइम थ्रिलर सीरीज है। इस सीरीज को लोगों से अच्छा रिस्पॉन्स मिला था। अब इस सीरीज का दूसरा सीजन रिलीज होने जा रहा है। आपको बता दें, दूसरे सीजन में ताहिर भसीन, आंचल सिंह, श्वेता त्रिपाठी के साथ गुरमीत चौधरी, सौरभ शुक्ला, वरुण बडोला, ब्रिजेंद्र काला, अरुणोदय सिंह और सूर्या शर्मा भी नजर आएंगे। पहले सीजन के केंद्र में एक अजीब सा लव ट्रायंगल था, जहां ताहिर का किरदार विक्रांत किसी भी तरह पूर्वा से बचने की कोशिश करता है। मेकर्स ने अभी तक दूसरे सीजन की कहानी को लेकर कोई अपडेट शेयर नहीं किया है। सही मायने में प्रकाश झा के निर्देशन में बना आश्रम बॉबी देओल का कमबैक प्रोजेक्ट था, जहां उन्होंने बाबा निराला का रोल किया। उसके आश्रम में भक्तों की भीड़ लगी रहती है, लेकिन अंदर ही अंदर वो अपने गोरख धंधा चला रहा होता है। सीरीज का पहला सीजन 28 अगस्त 2020 को रिलीज हुआ था। साल 2022 में एक टीजर के साथ ये अनाउंस किया गया कि आश्रम का चौथा सीजन 2023 में रिलीज होगा, मगर ऐसा नहीं हुआ। अब मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो ये दिसंबर 2024 में रिलीज हो सकता है। टीजर में दिखाया गया था कि अदिति पोहनकर की किरदार पम्मी फिर से निराला के आश्रम में लौट आती हैं। वो ऐसा क्यों करती हैं, ये चौथे सीजन में ही साफ होगा। बाकी सीरीज में बॉबी देओल और अदिति पोहनकर के साथ चंदन रॉय, सान्याल, तुषार पांडे, श्रद्धा चौधरी और दर्शन कुमार भी नजर आएंगे। अक्टूबर 2023 में नेटफ्लिक्स पर काला पानी का पहला सीजन रिलीज हुआ था। कास्ट में मोना सिंह, आशुतोष गुवारिकर, अमे बाग, आरुषि शर्मा, विकास कुमार और राजेश खट्टर जैसे नाम थे। समीर सक्सेना इसे करता धरता थे। कहानी अंडमान और निकोबार के द्वीप पर घटी है, जहां अचानक से एक बीमारी फैल जाती है और लोग मरने लगते हैं। इस बीमारी का नाम है LHF-27। इस बीमारी में गर्दन पर रैश आते हैं और फिर खांसी आने के बाद अचानक मौत हो जाती है। विश्वपति सरकार ने इस सीरीज की कहानी लिखी है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो काला पानी का दूसरा सीजन दिसंबर 2024 में रिलीज हो सकता है, लेकिन अभी तक इसे लेकर कोई ऑफिशियल अपडेट नहीं आया है। इस खबर को लिखा था हमारे साथी यमन ने। मैं हूं शिवानी। सिनेमा से जुड़ी हर खबरों के लिए देखते रहिए ललन टॉप सिनेमा। शुक्रिया।